और क्या कहते हैं बस श्री ज्ञान और वैराग्य, अगर हम बढ़ते सत्रों को हमारे हृदय में उतार लेंगे तो हमें मतलब कि भगवत धाम चिन्मय धाम में प्रवेश करने का वो व्यक्ति जो है दोष रहित हो जाएगा। अगर ये भगवान के जो छह सद्गुण है, क्या है, ईश्वर बल यश और ज्ञान वैराग्य और श्री लक्ष्मी, ये जिसके जीवन में आएगी वो दोष रहित हो जाएगा। भगवान क्या है, भगवान चिन्मय है, इनका धाम चिन्मय है। अगर हमको इसमें प्रवेश करना है तो हमें भगवान की लीला में नहलाना, अपने शरीर को, अपने आत्मा को नहलाना पड़ेगा। हमें अपने जो मन है हमारे जो, उसको हमेशा हमारे कृष्ण लीला में लगाना पड़ेगा। हमें मतलब हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करना चाहिए। हम अगर ऐसा चिंतन और मनन करेंगे तो हम एक दिन जरूर भगवान के मन के धाम जाएंगे। भगवान के धाम जाने का यही एक साधन है कि हम मतलब कि भगवान का चिंतन करें, मनन करें। और कहते हैं कि ये जो पूजना लीला है इसका भी हम अगर चिंतन और मनन करेंगे तो हमें भगवत धाम माने भगवान की प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि ये माने कि भगवान ने तो इसका उद्धार किया ही, भगवान ने अपने धाम बोलते हैं कि जो विष पिलाने आई थी पूजना, उसने भगवान ने अपनी माँ का दर्जा दिया। सोचिए ऐसा कोई होगा, अगर कोई हमको एक गाली देगा तो उसके बदले में हम चार गाली देंगे उसको। तो अगर कोई कोई हमको कड़ी क्या थोड़ा सा भी कड़ा बोलेगा तो हम उसको बोलेगा भी ऐसे कैसे बोल दिया। और जो पूतना उसको भगवान को मारने आई थी, विष पिलाने आई, तो भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया, माँ का दर्जा दिया। क्यों, कि वो मातृभाव लेके आई थी। ये क्या है कि ये पूतना क्या है, कहते ये पूतना है कौन थी, पूतना जो आई थी ये कौन थी, ये कहते हैं पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में वो बलि और विंध्यावती की पुत्री रत्नमाला थी। तो एक बार भगवान जब बावन का वेश बना के गए थे बलि के यज्ञ में, तो बलि के यज्ञ में गए तो वो कुछ मांगने गए थे कि भैया हमें तीन भूमि माने कि हमें दीजिए। तो जब वो मांगे तो वो जब भगवान का रूप देखी ना रत्नावती ने तो वो उस पर मोहित हो गई। बोले कि मेरे को अगर भगवान एक पुत्र दे तो मैं भी इसको बलि के दूध पिलाऊंगी। तो मैंने ऐसा उसको मैंने मातृभाव जग किया, उसको मत किया कि मैं इसको मैंने कि अपना मेरा बेटा है था तो मैं इसको दूध पिलाऊंगा। लेकिन जब भगवान ने उसे बलि महाराज से तीन भूमि पर मैंने कि भूमि मांगी और फिर उनका सारा राज्य हड़प लिया, तो उसको बहुत गुस्सा आया। रत्नावली बोली अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो उसको जहर दे के मार देती। देखिए यहाँ शत्रु भाव भी आया है और मातृभाव भी है, दोनों भाव ले रखी है रत्नमाला। तो यहाँ पर जब कहते हैं कि ये जब पुनर्जन्म हुआ तो दोनों भाव लेके आती है, मातृभाव भी लेके आती है और शत्रु भाव भी लेके आती है। तो यही माने कि रत्नावती इस जन्म जब भगवान जब कृष्ण का माने कि प्रागट्य होता है उस समय ये पूतना बन गया। और ये जो होते हैं कि उनका दूध पिलाने आई तो ये उस वही भाव है कि वो दूध भी पिलाई है और साथ में उसको जहर भी देके मारना चाह रही है। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारी जो इच्छा होगी हम सारी पूरी करेंगे। तो उसकी जो इच्छा थी कि मैं दूध भी पिलाऊं और उसको जहर देके भी मारूं, तो भगवान ने दोनों इच्छा पूरी की। तो जब तक मन में वासना विरोध होगा तब तक निरोध नहीं आएगा। मन में सूक्ष्म वासना भी रह जाएगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें क्या है, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, कृष्ण का मनन करना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हम कृष्ण की चिंतन करेंगे तो एक दिन जरूर मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो मैं इसी वाणी के साथ विराम देती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी के मुख से सुंदर प्रवचन सुनकर हम लोग सभी मंत्रमुग्ध हो गए और भगवान की दिव्य लीला में स्मरित हुए। तो माता जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोली थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी। तो अगली कड़ी में
एक छोटी सी बच्ची के द्वारा एक कार्यक्रम है एक नृत्य का, और गीत के बोल है राधा कैसे ना जले, और उस बच्ची का नाम है दिव्या भारती।